हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो एग्ज़ाम ये जो है कतर MOPH के अंडर है और ये प्रोमेट्रिक के अंदर बहुत सारे प्रोफेशन हैं, तो फॉर्म ऑलमोस्ट सेम है, बट जो प्रोफेशन है वो हमें सिलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो वीडियो भी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे, गूगल के सर्च बॉक्स सर्च इंजन में डालूंगा प्रोमेट्रिक। प्रोमेट्रिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल और रीशेड्यूल, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हो शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट, रीशेड्यूल एंड कैंसिल अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन रिसीव्ड, लोकेट टेस्ट सेंटर, उसके बाद सर्च अवेलेबिलिटी, टेस्टिंग अकोमोडेशन, बल्क शेड्यूलिंग। तो मुझे यहां पे सिलेक्ट करना है सिलेक्ट एंड अपॉइंटमेंट, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। उसके बाद यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि अटेम्प्ट एग्ज़ाम अटेम्प्ट का पॉलिसी लिखा हुआ है जो कि 5 अटेम्प्ट्स है पास करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एग्ज़ाम अंडर स्टेट ऑफ कतर। तो यहाँ पे मैं नीचे ले लूँगा, स्क्रॉल डाउन करके पूरा पढ़ना है, ज़रूरी है, टाइम दिया है यहाँ पे आपको, और पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे और एक डेटा प्राइवेसी डिस्क्लोजर, यहाँ पे आपको साइन करना है आई कंफर्म, उसके बाद आई कंसेंट, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा मैं। नेक्स्ट करने के बाद और एक एलिजिबिलिटी इंफॉर्मेशन, आर यू प्री अप्रूव्ड फॉर टेस्टिंग अकोमोडेशंस फॉर एग्ज़ाम, नो, उसके बाद नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोफेशन आपका सिलेक्ट करना है, मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे रजिस्टर्ड जनरल नर्स, यहाँ पे नीचे है सेकंड लास्ट, यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा इसको। इसके बाद इसको नेक्स्ट कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा है 9 टेस्ट साइट अवेलेबल है, तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हो लोकेशन, डिफरेंट कंट्री भी चूज़ कर सकते हो यहाँ पे। तो मैंने इंडिया सेलेक्ट किया था, तो इंडिया से मैंने मुंबई यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा जहाँ से मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप टेस्ट सेंटर भी देख सकते हो, मुंबई से एक ही टेस्ट सेंटर अवेलेबल है जो कि गोरेगांव में है। तो यहाँ पे आपको और एक डिस्क्लोजर साइन करना है आई कंसेंट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फाइंड अवेलेबल सीट इन 3 मंथ पे सिलेक्ट करूँगा, जो तो 3 मंथ में आपको दिखाएगा कि कौन सा डेट अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट कर दूंगा, गो किया। गो करने के बाद फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल, इन तीनों में से ब्लू डार्क जो है वो अवेलेबल डेट्स है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक कर देता हूँ 3rd of March पे। यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया है, कौन सा टाइम स्लॉट सिलेक्ट करना है आपको, उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको आपका नाम, मिडल नेम मतलब फादर नेम या हस्बैंड्स नेम, जो भी आपको नेम आपका पासपोर्ट पे है वही आप डालेंगे यहाँ पे, वही आपका फाइनल आइडेंटिटी रहेगा। पासपोर्ट आपका आपके साथ रहेगा आपके एग्ज़ाम के वक्त, और ये एग्ज़ाम की रिसिप्ट, दो ही चीज़ें आपके साथ रहेगी। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे, जो भी स्टार मार्क किया हुआ है वो कंपलसरी आपको फिल करना ही है। उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर दूंगा मैं, सिटी के बाद कंट्री, स्टेट प्रोविंस एक्टिवेट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मैं पता नहीं क्या हो रही है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली जिप कोड डाल देता हूँ या पोस्टल कोड डाल देता हूँ, यहाँ पे पोस्टल कोड डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल दूंगा यहाँ पे, याद रहे आपको अगर प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम देनी है तो मैं आपको आने वाले वीडियोस में पूरी जानकारी दे दूंगा कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया जा सकती है।
ये एग्ज़ाम जो 50% उसका पासिंग का क्राइटेरिया है, मतलब 50 एटलीस्ट आपको मार्क्स लाने हैं तो ही आप पास हो जाओगे। बहुत डिफ़िकल्ट है बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप ये 6 दिन का क्रैश कोर्स अगर करोगे या 3 दिन का स्टडी करोगे तो ही इनफ है। अगले आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से इंस्टीट्यूट बेटर है जो मुंबई से हैं, वही आपको अच्छे से गाइडेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे। और जो जॉब रिलेटेड जो क्वेरीज है, जो प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर जो कतर के अंदर, उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बहुत गाइडेंस कर दूंगा। जितना मुझे मालूम है मैं आपको वीडियो के ज़रिए बताते रहूंगा। तो चैनल से जुड़े रहिए, आने वाले वीडियोस थोड़े अच्छे रहेंगे, आपको कुछ हेल्प हो सकती है। या गवर्नमेंट आईडी में मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल दूंगा यहाँ पे। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं हो सकता है उतना आपको हेल्प करने की कोशिश कर दूंगा। इसकी फीस जो है वो 218 है, $218 है जो आपको पे करना है क्रेडिट कार्ड से। तो यहाँ पे मैं पोटेंशियल करंट प्लेस यहाँ पे मैं डाल दूंगा। अभी तक मेरा कुछ डिसाइड नहीं है यहाँ पे, कोई भी हॉस्पिटल से अभी तक कुछ ये नहीं है, तो मैं यहाँ पे नॉट येट करके डाल देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा अभी। ओके, यहाँ पे अपॉइंटमेंट नेम, प्राइस, बैलेंस, यहाँ पे पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट कर देता हूँ, मास्टर कार्ड चेक करना पड़ेगा इसको, मास्टर कार्ड। ओके, यहाँ पे मास्टर कार्ड सेलेक्ट करता हूँ, कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। अगर आप खुद से फॉर्म भरोगे तो थोड़ा बहुत पैसा आपका बच जाएगा, यही इंटेंशन है मेरा, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट पहले डाल देता हूँ, ओ सॉरी लास्ट नेम भी डालना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पे उसको भी स्टार है तो यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, पूरा वेरीफाई कर लो एक बार। नाम, अपॉइंटमेंट नेम, टेस्ट सेंटर, टेस्ट एड्रेस, फोन नंबर, अपॉइंटमेंट डेट, टाइम, ड्यूरेशन 3 आवर्स, प्राइस 218, पेमेंट ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट अपॉइंटमेंट करोगे तो कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस। ओके, इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे इसको, तो यहाँ से आप पूरा डिटेल्स देख सकते हो वापस। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट समरी, पेमेंट समरी में आप चेक कर सकते हो आपका कितना चार्ज गिरा अमाउंट, उसके बाद कौन सा कार्ड यूज होगा। उसके बाद आप यहाँ से प्रिंट कंफर्मेशन ले सकते हो, यहाँ पे प्रिंट रिसिप्ट ले सकते हो, ईमेल पे भी रिसिप्ट सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं प्रिंट ऑप्शन में देखा,
ये सिर्फ प्रेम डिटेल अपॉइंटमेंट समरी है यहाँ पे। तो ये था वीडियो फॉर्म फिलअप कैसे करना है। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया। आप फॉलो करिए स्टेप्स। अगर कुछ परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आने वाले वीडियोस प्रोमेट्रिक रिलेटेड रहेंगे, गाइडेंस हो जाएगा आपको। थोड़ा बहुत जानकारी शेयर कर दूंगा जो आपको हेल्पफुल रहेंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।